हेलो जी हेलो, ये है एक नया हमारे गंगरथरा से मात्र 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फाइन एंड सिटी रिजॉर्ट है और इसमें नया वाटर पार्क चालू किया गया है। तो सोचे चले, आज छुट्टी था, समर वेकेशन चल रहा था तो चले आए। तो बस आपको छोटा सा एक टूर करवा देते हैं। ये रहा वाटर पार्क छोटा सा, और इसी में वेव है और वाटरफॉल का थोड़ा सा मज़ा है। छोटा सा है लेकिन चलिए जो है एंजॉय करते हैं और आपको भी एंजॉय करवाते हैं। 500 में कॉस्ट्यूम इंक्लूड है लेकिन लॉकर का अलग से 100 रुपीज चार्जेज है। बहुत ज़्यादा यहाँ फन एक्टिविटीज़ तो नहीं है लेकिन यही एक वाटरफॉल है जो इसमें वाटर पार्क में वाटरफॉल का मज़ा है। और कुछ खास विशेष तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस है 500 वो टू मच है मुझे जो लगा। बाकी और भी वाटरफॉल है जैसे छपाक है, राजगीर में है, पटना में है, तो इससे काफ़ी चीप है, सस्ता है और इससे ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है। आगे अब देखते हैं। ये बिहार का पहला बेलमोंट वाटर पार्क है। भीड़ बहुत कम है क्योंकि लीक से हटके है। ये पटना गया रोड पे अवस्थित है और फन के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। रिसॉर्ट अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है यहाँ। सबसे ज्यादा एंजॉय किया ही नहीं कर रहा है। क्यान क्यान एंजॉयिंग सो मच, वो बहुत मजे कर रहा है क्यान वाटर पार्क में। और खासकर के ऊपर नीचे तो डर लगता है, ज्यादा पानी में चला जाता है, ऊपर वाटरफॉल जैसा है तो ज़्यादा मज़ा कर रहा है। साथ में गाना का आनंद लीजिए और चलेंगे इसके बाद रेन वाटर में, उसमें थोड़ा डांस वांस किया जाएगा। ये है रेन डांस सेगमेंट। यही मेन अट्रैक्शन है यहाँ के वाटर पार्क का, बेलमोंट वाटर पार्क। और पूरे रिजॉर्ट का नाम है फन एंड सिटी। चलो ठीक ठाक है, जहाँ फैमिली खुश, बच्चे खुश, वहाँ मैं भी खुश। गैदरिंग कम है, ये भी एक अच्छी बात है। स्लाइडिंग बहुत ऊंचा ऊंचा से नहीं है तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसमें डर लगा पड़ता है स्लाइड करने में, कहीं नीचे आके टकरा ना जाए। बहुत सारे वाटर पार्क में ये घटना हो भी जाता है। तो मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए, चलें अब हम भी इंजॉय करने के लिए। इसमें वेव के लिए भी है, बहुत अच्छा वेव। ये देखिए देखिए देखिए, ये छोटी छोटी वेव भी आ रही है। इसका एक टाइमिंग है, आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारा जगह बना हुआ है, आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये हो गया और एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और भी बहुत सारा मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वहाँ सेल्फी पॉइंट है। फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ रात में स्टे कर सकते हैं, छोटे छोटे कॉटेज भी बने हुए हैं लेकिन कॉटेज के चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है, 7,000 है, 6,999 प्लस टैक्स भी है, तो वो मुझे को ज़्यादा लगा। बाकी बढ़िया है।
ये कॉटेज एरिया है, आप एक स्टेज भी बना हुआ है जो प्रोग्राम के लिए बुक कर सकते हैं। सेल्फी पॉइंट बहुत सारा है, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं आप, एक डोली और कहार लिए डोली है और कहार है, बाकी बहुत सारा सेल्फी पॉइंट हम दिखाते हैं आपको कैमरा बैक करके। हाँ देखिए, बहुत सारा सेल्फी पॉइंट है, प्यारा सा गार्डन है, इधर जाना अलाउड नहीं है वाटर पार्क में आने वालों को। ये कॉटेज है छोटा छोटा, ये कॉटेज का लॉन हो गया, बाकी आप देख ही सकते हैं। छः कॉटेज है, 6 या 8, 6 कॉटेज है, लेकिन चार्जेस थोड़ा महंगा है, चार्जेस पटना के अकॉर्डिंग नहीं है, मेट्रो सिटीज़ के अकॉर्डिंग है। 7,000 मुझे नहीं लगता है कि इतना कॉस्टली होना चाहिए, जिसमें ब्रेकफास्ट सिर्फ इंक्लूड है। गार्डन अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा है, हैंगिंग गार्डन है, और हैंगिंग गार्डन में हर जगह हम देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, सक्सेसफुल मॉड्यूल मॉडल नहीं है हैंगिंग गार्डन का। बिना खाना आए हुए खाना वाना खा के अब लोग हम लोग चले अपने डेस्टिनेशन, मतलब घर की तरफ। बैठिए मैडम, रॉन्ग साइड में आ गए थे। खाना खा के वहाँ से गाड़ी दबा के चलाए, क्योंकि खाना खाकर आलस आने लगा तो ब्लॉग नहीं बना पाए, और 30 किलोमीटर था, लेकिन बहुत सारे गांवों से होके गुजरना होता है तो 1 घंटा लग ही जाता है आने में। तो खाना न ज़्यादा एक्सपेंसिव था और न ज़्यादा चीप था, खाना अच्छा था, रेट भी सही था। खाने में हम लोग वहाँ चिकन दारा और फिश करी मंगवाए थे, खाना सो था, बढ़िया था, लेकिन वही वाटर पार्क का जो चार्ज है वो कॉस्टली था, बाकी सब कुछ ठीक है। आप नया एक्सपीरियंस के लिए वहाँ जा सकते हैं, इन्जॉय कीजिए, फैमिली खुश, आप खुश, हम खुश। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।